देवास में तुपोजी राव पंवार स्टेडियम में आयोजित नगर निगम देवास द्वारा स्वनिधि महोत्सव कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, राज्य मंत्री आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय कार्यक्रम में पहुंचे, जहां मीडिया से चर्चा में स्वनिधि योजना को लेकर बोले केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर, योजना की जानकारी जो भी ऐसे दुकानदार हैं जिन्हें नहीं मालूम है, जिन लोगों को पता है उन्हें बताना चाहिए। मीडिया के माध्यम से भी निवेदन किया कि पथ विक्रेताओं को जानकारी देकर उनका फॉर्म भरवाए और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में उनको हिस्सेदारी दिलवाए। हमारे सांसद भी उनकी मदद करेंगे और उन्हें योजना का लाभ दिलवाएंगे। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर कहा कि आजादी के 75 वर्ष पूरे हुए हैं, तिरंगा फहराने का काम 13 अगस्त से 17 अगस्त तक लोगों को करना है। यह प्रधानमंत्री का निर्णय है और सरकार का भी निर्णय है, इसलिए सभी लोगों को जरूरत है कि वह किसी भी दल के हो, किसी पार्टी के हो, छोटे दुकानदार हो, बड़े दुकानदार हो, व्यापारी हो, किसान हो या मजदूर हो, सभी लोगों को एक जश्न के रूप में अमृत महोत्सव मनाना है और तिरंगा लहराना है। ये योजना तो चल रही है और जो भी ऐसे दुकानदार हैं, पट्टी दुकानदार, अगर उनको योजना नहीं मालूम है तो जिन लोगों को भी मालूम है उन्हें बताना चाहिए। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से भी ये निवेदन करता हूं कि जिनको जानकारी है ऐसे पथ विक्रेताओं को, उनको जानकारी दे करके उनका फॉर्म भरवाएं और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में उनको हिस्सेदारी दिलाएं और उनको जो है उसका लाभ पहुँचाने में मदद करनी चाहिए। और जो लोग रह गए हैं, हमारे सांसद जी हैं सोलंकी जी, ऐसे लोगों की बात करेंगे, उनको निधि दिला, उनको स्वनिधि दिलाने का काम। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, 75 वर्ष हो गए हैं और घर घर तिरंगा लगाने की बात बीजेपी ने कही है, क्या कुछ आप कहेंगे पूरी जो आज़ादी का अमृत महोत्सव के कार्यक्रम को लेकर, और पीएम महोदय ने भी अपील की? ये आज़ादी का अमृत महोत्सव, चूँकि आज़ादी के 75 साल पूरे हुए हैं, ये तिरंगा फहराने का काम जो है 13 अगस्त से 17 अगस्त तक के लोगों को करना है। ये प्रधानमंत्री जी का निर्णय है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार का निर्णय है और इसलिए सभी लोगों की ज़रूरत है, चाहे वो किसी दल के हों, चाहे किसी पार्टी के हों, चाहे पट्टी दुकानदार हों, चाहे बड़े दुकानदार हों, चाहे उद्योगपति हों और चाहे कर्मचारी अधिकारी हों, व्यापारी हों, चाहे किसान हों, चाहे मजदूर हों, सभी लोगों को एक जश्न के रूप में अमृत महोत्सव मनाना है, तिरंगा लगाना है। तिरंगा लोगों को अगर नहीं किसी के पास है तो उसे दे करके लगवाना है। आखिरी सवाल, देवास से अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।